सीबीएसई ने क्लास 12 बोर्ड रिजल्ट को लेकर बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट जारी किए हैं। ऑनलाइन व ऑफलाइन परीक्षा में शामिल नहीं होने वाले होंगे अनुपस्थित। सीबीएसई स्कूलों ने 12वीं के विद्यार्थियों के मूल्यांकन की प्रक्रिया शुरू कर दी है। बोर्ड ने सभी प्राचार्यों को सर्कुलर जारी कर निर्देश दिया है कि वैसे विद्यार्थी जो स्कूल में समय समय पर ली गई ऑनलाइन या ऑफलाइन परीक्षा में शामिल नहीं हुए हैं और स्कूल के संपर्क में नहीं थे, उनके रिजल्ट में अनुपस्थित लिखा जाए। ऐसे विद्यार्थियों को स्कूल की मूल्यांकन कमेटी चिन्हित करेगी। बोर्ड इन विद्यार्थियों का रिजल्ट जारी नहीं करेगा। वैसे विद्यार्थी जिन्होंने 12वीं कक्षा में अपना विषय बदला था, उन विद्यार्थियों का असेसमेंट 11वीं कक्षा के ओवरऑल बेस्ट 3 सब्जेक्ट की तर्ज पर किया जाएगा। स्कूल की ओर से जानकारी दी गई थी कि 11वीं के बाद कई विद्यार्थियों ने अपने सभी विषय में बदलाव किया है। ऐसे विद्यार्थी जिन्होंने अंतिम समय में अपना विषय बदला था, उनका सब्जेक्ट चेंज मान्य नहीं होगा। बोर्ड ने स्कूलों को इस तरह के बदलाव कर विद्यार्थियों का असेसमेंट करने से सख्त मना किया है। पोर्टल पर 12वीं के अंक अपलोड करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। 12वीं का रिजल्ट सीबीएसई 31 जुलाई तक जारी करने की तैयारी में है। ऐसे में स्कूलों को 11वीं के अंक शुक्रवार तक जमा करने का निर्देश दिया गया था। राज्य के स्कूलों ने इस दिशा निर्देश का पालन करते हुए विद्यार्थियों के अंक सीबीएसई की ओर से मुहैया कराए गए पोर्टल पर उपलब्ध करा दिया है। वहीं 12वीं कक्षा के अंक अपलोड करने के लिए पोर्टल को शनिवार से शुरू कर दिया गया है। बोर्ड ने स्कूलों को सहूलियत देते हुए पोर्टल में ही विद्यार्थियों के एवरेज अंक की कैलकुलेशन का सिस्टम उपलब्ध कराया है। ऐसे में अब केवल स्कूल को विद्यार्थियों के यूनिट टेस्ट, हाफ ईयरली एग्जाम, प्री बोर्ड आदि के अंक अपलोड करने हैं।